ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, हम बच्चों को स्नेह देकर कितना मीठा बना रहे हैं। रोज कहते हैं मीठे बच्चे, तो आज भी बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया का सर्विस करना है, मतलब जो डूबे हुए हैं, जो दुख में हैं, उनके बेड़े को पार लगाना है। बाबा कहते हैं संगम युग है और ये संगम युग में तुम्हें कल्याण सबका करना है। बाबा कहते हैं राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने का गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कले संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे क्लब में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। आज तक दुनिया में जो राजा बने हैं द्वापर युग से, वो अलग है, लेकिन हम सत्ययुग में डबल राजा बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको बैठ के समझाता हूँ, तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करते रहो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधाधारी मित्र संबंधी आदि नहीं आने चाहिए। तुम हो विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने आते हैं। जब बाबा से मिलते हैं मुरली सुनते हैं और कोई बात नहीं याद आना चाहिए। बस मैं एक आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। मैं शरीर के अंदर आत्मा विराजमान हूँ और परमपिता परमात्मा को याद करने वाली आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, तो वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर का आधार लिया हुआ हूँ। बाबा कहते हैं कल्प में एक ही बार यह बात बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर याद करने से बाबा को तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब खुद का बेड़ा डूबा हुआ हो तो क्या करेंगे, दूसरों का तो पार नहीं हो सकता है, ना पार करा सकते हैं। इसीलिए दूसरों का पार कराने के लिए पहले खुद का बेड़ा पार करना होगा, और वो है एक बाबा की याद। बाबा कहते हैं गाते भी है ना, हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ, बेड़ी अर्थात नैया। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ में पार जाना है। जैसे दुनिया में भी तैरना सिखलाते हैं, बाबा कहते हैं वैसे ही सीखने के बाद अपने आप तैरते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं अभी अब बच्चों को सिखा रहा हूँ कि तुम आत्माएं फंसी हुई हो, किचड़े में धुवन में फंस गई हो, तो उसमें से मैं आपको निकाल रहा हूँ। बाबा कहते हैं इस पर एक हिरण का भी मिसाल है, पानी समझ के जाता है लेकिन किचड़े में फंस जाता है। तो हम आत्माएं इस दुनिया में जो समझे कि इसी दुनिया में सुख शांति मिलती है, लेकिन वो फिर पानी सुख शांति समझ के हम फिर विकार में फंस गए। तो बाबा उस विकार से निकालकर, उस दुनिया से निकालकर, विकार के सागर, विषय का सागर से निकालकर खीर सागर में ले जाते हैं, जिसको सत्ययुग कहा जाता है। तो हम सब बच्चे सत्ययुग जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये है रावण की दुनिया। रावण है दुख का सागर, बाबा है सुख का सागर, और बाबा की श्रीमत को हम पालन करते हैं तो हम सुख की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। क्योंकि लौकिक में दुनिया में होते हुए भी वो लौकिक बाप होते हुए परलौकिक बाप को याद करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि शरीर का बाप अलग है, आत्माओं के बाप अलग है। बाबा कहते हैं मैं किसी एक ग्लानी नहीं करता हूं, परंतु ड्रामा का राज समझाता हूं। ये भी समझाने के लिए बाबा 5000 साल पहले आए थे और अब आए हैं, और मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी जो दलदल में फंसे हुए हैं। दलदल अर्थात आसुरी संप्रदाय। तो आसुरी संप्रदाय से निकालकर बाबा हमें ईश्वरीय संप्रदाय में ले जाते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात दिव्य गुण, जहां संपूर्ण निर्विकारी, जहां संपूर्ण पवित्र होते हैं, देवताओं की दुनिया। क्योंकि देवताएं योग बल से ही जन्म लेते हैं, तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा हमें योग सिखा रहे हैं। सिर्फ ईश्वर बा भगवान कहने से इतना लव नहीं होता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, मेरा बाबा मेरा बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे अर्फन है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाई ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज तक जितना हम योग सीखे हैं उससे ना मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति मिलती है।
मुक्ति, जीवन मुक्ति सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते हैं, सभी आत्माओं की जो पिता है। बाबा कहते हैं कितना फर्क है देह अभिमान और देही अभिमान में। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, लेकिन देही अभिमानी बनेंगे तो आगे बढ़ते हैं, दैवी दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, पर संबंध तो होता है। तुम ही श्रीमत पर चलकर यह प्रारब्ध प्राप्त करते हो। बाबा आते हैं राजयोग सिखलाने, जहां डबल सिरता राजाएं सतयुग में होते हैं। इस पढ़ाई से ऐसी पढ़ाई और कहीं होती नहीं है। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छी छी चित्र बनाया है। इससे सिद्ध होता है कि काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेट बन पड़ते हैं। अभी तो पांच तत्व भी तम प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे तम प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे कैसे बनते हैं, आज की दुनिया में देखिए, जन्म होते ही कैसे कैसे शरीर मिलती है आत्मा को। वहां तो एकदम सुंदर शरीर मिलता है, कहां, सतयुग में। अभी तम प्रधान होने के कारण ऐसे शरीर मिलते हैं, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नाम से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो वही भगवान को अनेक रूप से याद करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहां तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है। जब इनका राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड ऐसे नहीं कहते कि धर्म एक राज्य हो। यहां आत्मा मांगती है एक राज्य हो, इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में एक राज्य एक धर्म होता है, अनेक धर्म नहीं होते हैं। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप आते हैं संगम युग पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। वाव, कितनी खुशी होनी चाहिए कि नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। जैसे हमारा नया मकान बनता है तो हम खुश होते हैं, तो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। सारी ज्ञान की बात है, उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए, बाण चलाना भी सिखाते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। बताओ आज की दुनिया में कितना दुख है। तुम्हारा फिर है योग बाण, बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, विक्रम विनाश होगा तब हम पैराडाइज जिसको कहते हैं सतयुग में वह जाना है। तो इसके लिए बाबा को जितना हम याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगे। बाबा कहते हैं महावीर वो है जिसके अंदर ताकत होती है, और ताकत कैसे आएगी, जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा स्वतः प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुखधाम में पवित्र ही रहेंगे, लेकिन अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है कि भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी। जरूर पवित्र बनकर जाएगी, आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाती है परमधाम। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है, ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं की सिजरा, कायदे मुझे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मीनारायण आदि, ये सब मनुष्य के सिजरे हैं। बाबा धारणा में आज कहते हैं रूहानी सल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र वन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों को नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः ही हो जाएगा। बाबा वरदान में दे रहे हैं मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर
सूक्ष्मतन का अनुभव कराने वाले डबल लाइट भवन। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, अपना मत नहीं चलाना है, बाबा जो श्रीमत दे रहे वो करना है। यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरिया ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जब हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते हैं परमधाम की सीन, सत्ययुग की सीन, सूक्ष्मतन की सीन देखने के लिए बुद्धि के ऊपर कोई भी बोझ नहीं होनी चाहिए। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भजन ना करो तो बोझ हल्का होकर ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा कितने अच्छी तरह क्लियर किए हैं कि स्थिति को ऊंच बनाने के लिए, ऊंच स्थिति में स्थित होने के लिए क्या करना है। बाबा स्लोगन में कह रहे व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। क्योंकि आज अगर हम दुखी हैं तो व्यर्थ के कारण, अगर हम सुखी बनेंगे तो शुभ भावनाओं के कारण, तो शुभ भावना का स्टॉक होना चाहिए। तो आज की मुरली के अनुसार बहुत अच्छा सोमान है, उसको हम आज दिन भर अभ्यास करेंगे। आज हम एक बहुत अच्छा सोमान लेंगे कि मैं रूहानी आर्मी भगवान की मददगार आत्मा हूँ, भगवान की मददगार वाली आत्मा हूँ। मुस्कुराते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।